सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे मसाले के गुरु बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त मसालेदार धमाकेदार एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ सवालों के जवाब जो आपने पूछे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों होंगे बहुत ही शानदार, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब, तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगेन यार हर बार की तरह सवाल बहुत ज़्यादा हो गए इस बार, तो ऐसे में कोशिश पूरी यही है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने में सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो ऐसे में दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और आप दबाइए पहले पूरी ताकत के साथ में, या वैसे ताकत उसमें इतनी लगती नहीं है दोस्तों, सीधा लाइक बटन दब जाना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं शुरुआत आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपका सवाल पिक ना कर पाऊँ तो यार मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी, मतलब मजबूरी होती है यार कि मैं मतलब इन्हों पिक नहीं कर पाता हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं ऐसे बस बोलता रहूँ, आप सुनते रहें, आपको सभी आपके सवालों के आपके सभी डाउट जो हैं वो मैं एकदम जवाब देते हुए क्लियर करता रहूं। यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं, मेरे सवाल की पूछा है प्रीतम ने, बोलते हैं कि भैया मुझे सैमसंग स्मार्टफोन चाहिए 20K के अंडर, फ्लिपकार्ट पे F62 का 8GB वेरिएंट 19,000 में मिल रहा है, तो इसको ले लूं या फिर वेट करूं, मेरा रिक्वायरमेंट्स है गुड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड डिस्प्ले। प्रीतम भाई देखो 19,000 में F62 डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार आप बेहतर होगा अगर आप एक 5G फ़ोन लें, बिकॉज आप जो आज फ़ोन ले रहे हैं वो आप एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो यूज़ करेंगे करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सैमसंग भी जो है अभी कुछ और नए फ़ोन्स लेके आने वाला है, और अगर आपको सैमसंग के अलावा कोई दूसरा फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ फिर वहाँ पर आपको अगर हम बात करें सिक्योरिटी की या डिस्प्ले की तो शायद कुछ कंसर्न्स मिल सकते हैं, तो एक बार के लिए थोड़ा सा वेट कर लो मेरे ख्याल से शायद आपको और बेहतरीन ऑप्शन मिल जाए, मतलब वरना फिर 5G कमी खेलेगी बाद में। वरना वैसे बोलूं तो 19,000 में ख़राब नहीं है, F62 बहुत सही फ़ोन है। अगला सवाल है यहाँ पे आयुष का, बोलते हैं गौरव भैया कब से मैंने एप्पल इकोसिस्टम के डेमो का वीडियो मांगा था, आपने अभी तक नहीं आया, हो सके तो उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन करके कुछ वीडियो बना दो, आई एम वेटिंग। आयुष बिल्कुल कोशिश रहेगी, एप्पल इकोसिस्टम ना बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस वाली बात है यार, कि मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल एक फ़ोन बज रहा है तो वो मेरे घड़ी पे भी बज रहा है, मेरे फ़ोन में बज रहा है, मेरे टैबलेट के अंदर भी बज रहा है, मेरे लैपटॉप से बज रहा है, मैं जहाँ से मर्जी वहाँ से कॉल पिक कर लूँगा, या फिर उसके अलावा फोटो खींचना है, कॉपी पेस्ट वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं डेफिनेटली कभी कभी शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में ज़रूर बनाऊँगा। अगला सवाल है यहाँ पे शुभदीप का, ये बोलते हैं हेलो गुरुजी कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप एप्पल कार फ्यूचर में लेने वाले हो क्या, और आपको क्या लगता है इस कार के लिए कितने किडनी देना पड़ेगा, लव फ्रॉम कोलकाता। एप्पल कार तो यार जब भी आएगी डेफिनेटली 100% में लेने वाला हूँ, मतलब ऑफकोर्स अब चाहे ज़रूरत नहीं भी होगी तो भी लेना पड़ेगा, बिकॉज आप सबके लिए जो है वो उसका कुछ ना कुछ तो वीडियो लेके आना ही पड़ेगा। जहाँ तक बात है किडनी की, तो फिलहाल के लिए तो लगता है कि बिना किडनी काम चल जाएगा, बाकी खैर कुछ भी नहीं कह सकते हम, कीमत का कुछ आइडिया नहीं वैसे एप्पल का। नितिन बोलते हैं कि बहुत दिनों से ट्रैवलिंग नहीं की, मिस तो बहुत कर रहे होगे, बाय द वे इंडिया कब आ रहे हो, व्लॉग ऑलवेज ऑसम, प्लीज़ मेक अ व्लॉग विद फैमिली। नितिन कोशिश रहेगी फ्यूचर में कभी, और जहाँ तक बात है इंडिया आने की, तो जैसी फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम होती हैं मेरे ख्याल से मिड जुलाई तक हो जाएंगी, तो फिर मेरा सीधा हो जाएगा इंडिया ट्रिप बहुत जल्दी। अगला सवाल है यहाँ पे रुपेश का, बोलते हैं नमस्ते गुरुजी कैसे हो, टैब S7 लाइट और S8 सीरीज़ Q3 तक आ सकता है क्या। हाँ डेफिनेटली Q3 तक आ जाएगा यार, और क्या लगता है BGMI 18 जून को आ पाएगा, iPad M1 का वीडियो कब, YouTube पे लाइव स्ट्रीम कब करोगे, इतना सारा कुछ। BGMI 18 को आने का चांसेस बहुत 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 मजबूत सॉलिड एकदम दमदार लग रहे हैं। जहाँ तक बात है iPad M1 का वीडियो तो बहुत जल्दी, और YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। मनीष बोलते हैं कि why eSIM टेक्नोलॉजी ओनली इन फोन, एंड्रॉयड स्पेशली इन मिड रेंज और बजट डिवाइसेज में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ अब तक, डू यू थिंक इट्स एक्सपेंसिव, बाय द वे आज का मॉर्निंग व्लॉग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मनीष आपको वीडियो अच्छा लगा। जहाँ तक बात है eSIM की, और उसमें एक्सपेंसिव की बात नहीं है, बेसिकली देखो ना आईफोन में तो आती है, और एंड्रॉयड में क्या है कि हायर सेगमेंट डेफिनेटली आपको मिल जाती है, लेकिन वो मिड रेंज के अंदर आपको ड्यूअल सिम मिल रहा है, ट्रिपल स्लॉट मिल रहा है, तो फिर वो eSIM का कभी सोचा ही नहीं, और ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है, फ्यूचर में हम देखेंगे तो आपको लगभग सभी फोन्स में eSIM मिलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करो क्या पता आपको आपके, बल्कि मतलब झंझट लगता है यार eSIM का, मतलब कॉन्फिगर करना फिर हटाना ये वो करके, मेरे को तो अभी भी पता नहीं क्यों जो सिंपल अपना सिम कार्ड है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगला सवाल है यहाँ पे अपूर्व का, बोलते हैं कि इन फोन्स 108 मेगापिक्सल कैमरा टेक्स 12 मेगापिक्सल डिफॉल्ट फोटोज एंड 64 मेगापिक्सल कैमरा टेक्स 16 मेगापिक्सल डिफॉल्ट फोटोज, डज दिस मीन 64 मेगापिक्सल टेक्स बेटर फोटो देन 108 मेगापिक्सल इन ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर बट जूम, बोलो गुरुजी। अपूर्व इस हिसाब से तो फिर 48 मेगापिक्सल जो है वो भी डिफॉल्ट फोटो लेता है 12 मेगापिक्सल की, तो आपके हिसाब से 48 और 108 बराबर होगा।
बेसिकली यहाँ पे ना देखो रेजोल्यूशन जो है, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड आउटपुट की, तो 64 वाला देता है 16 मेगापिक्सल और 108 देता है 12 मेगापिक्सल, अग्रीड। लेकिन जो पिक्सल बिनिंग की हम बात कर रहे हैं, 64 वाले में 4 पिक्सल्स बन के जो है वो एक बड़ा पिक्सल बनता है, और 108 वाले के अंदर 9 पिक्सल कंबाइन होते हैं। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल पिक्सल साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल एक DSLR कैमरा है, वो बेशक 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन स्टिल उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो मतलब सिर्फ पिक्सल आउटपुट से आप जज नहीं कर सकते इमेज क्वालिटी को, इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर केस में 108 वाला ज़्यादा अच्छा होता है, 64 वाला कम अच्छा होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि हर केस में 64 वाला ज़्यादा अच्छा होता है, डिपेंड करता है यार, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ को जज करके इमेज क्वालिटी को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगला सवाल है यहाँ पे प्रतीक का, बोलते हैं कि विल एवरेज यूजर्स गेट द BGMI रिवॉर्ड्स एज दे कैनॉट प्री रजिस्टर। ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ लिया है आपने भाई, क्या होगा ये तो जनता जवाब मांगती है। जस्टिस फॉर iOS यूजर्स, हैशटैग चला दो ट्विटर के ऊपर, टैग कर दो पूरा का पूरा BGMI को, और देखो आपने क्या जवाब मिलता है। जहाँ तक यार कुछ ना कुछ तो होगा प्री बुकिंग का, प्री रजिस्ट्रेशन का, जैसे ही आता है iOS पे, या हो सकता है भाई प्री रजिस्ट्रेशन हो ही ना, सीधा सीधा गेम आ जाए अवेलेबल। तो अभी के लिए पूरी की पूरी चीज़ जो है वो एकदम डाउट में चल रही है, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर BGMI का। अगला सवाल है यहाँ पे शिवम का, बोलते हैं नमस्कार गुरुजी, कैसे हुआ? बाय द वे गुरुजी, ये टेलीग्राम पे इतनी पायरेसी होती है फिर भी इट्स ऑन प्ले स्टोर विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है विल टेलीग्राम बी बैंड फॉर इट्स पायरेसी लाइक एक्टिविटीज, एंड आपने कितने ऑडिट्स के सब्सक्रिप्शंस लिए हैं? शिवम भाई, तो टेलीग्राम तो नहीं करता ना पायरेसी, अभी व्हाट्सएप पे लोग कुछ भी बातें करते हैं, व्हाट्सएप तो एक बात करने के लिए प्लेटफॉर्म है ना। तो मतलब अभी दो लोग या एक ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं, मतलब बेसिकली इस पर टेलीग्राम की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि भाई टेलीग्राम पे पायरेसी हो रही है। टेलीग्राम तो बोल रहा है कि पायरेसी करो तुम, टेलीग्राम पे लोग नॉर्मल बातें भी करते हैं, मतलब यू नो सिर्फ पायरेसी तो नहीं करते टेलीग्राम पे लोग। तो ऐसा कोई मेरे को तो लगता नहीं है कि भैया बैन या ब्लॉक होने का चांस है सिर्फ इस वजह से कि उस प्लेटफॉर्म पे लोग जो है वो क्या बातें करते हैं। जहाँ तक बात है OTT सब्सक्रिप्शंस का, तो यार मैंने ऑलमोस्ट जितने सभी का लिया हुआ है, जो थोड़े बहुत वो घटिया वाले उनको छोड़ के, मेनली जो अच्छे अच्छे वाले हैं वो हाँ लगभग सबका सब्सक्रिप्शन अपने पास में। निखिल बोलते हैं कि गुरुजी आपने लॉकडाउन में कौन सी डिश बनानी सीखी, करंट सिनेरियो में आप मीडियाटेक और क्वालकॉम में से किसको पावरफुल मानते हो? यार लॉकडाउन में तो डिश क्या बनाई, हम खुद ही डिश बन गए, हम बहुत पके हैं, बहुत 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 पके हैं लॉकडाउन में सबके सब। और जहाँ तक बात है क्वालकॉम मीडियाटेक की, तो यार पावरफुल अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली मैं बोलूँगा क्वालकॉम, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा आज के टाइम में और काफ़ी डाइवर्स, तो चांसेस हैं कि मैं जाऊँगा शायद मेडिटेक की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे ईशान का, बोलते हैं कि गौरव भैया मेरा क्वेश्चन, अभी तक 2021 में पिक नहीं किया, अब तो हाफ निकल गया। अच्छा जी, वॉट इफ़ एप्पल कार कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड वॉट डू थिंक अबाउट रियलमी लैपटॉप, एंड भैया वाई अनबॉक्सिंग वीडियोज, लव यू एंड योर अनबॉक्सिंग वीडियो। थैंक यू ईशान, अनबॉक्सिंग तो ऐसे ही कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। जहाँ तक बात है एप्पल कार की, तो एंड्रॉयड ऑटो लगता नहीं कि उसमें आएगा, एप्पल कार प्ले ही आएगा, हो सकता है वैसे क्या पता एज एन ऑप्शन एप्पल दे दे, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा लेकिन उसका। और जहाँ तक बात है रियलमी लैपटॉप को, तो यार ठीक है, मतलब सी रियलमी कुछ लैपटॉप इन्वेंट तो नहीं कर रहा ना, लैपटॉप तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, रियलमी बस लैपटॉप अपना एक बना रहा है। तो जो भी प्राइस ब्रैकेट होगा 30-40-50 हज़ार, तो उस प्राइस रेंज में जो बाकी कंपनीज कर रही हैं रियलमी वही काम करेगा, अब ऐसा कुछ अलग से तो इन्वेंट करेगा नहीं। बट हाँ, कस्टमर्स के लिए एक नया ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ अभी रियलमी ब्रांड का भी लैपटॉप आता है, तो बस वो एक पॉइंट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियलमी कुछ नया इन्वेंट कर लॉन्च कर रहा है, वो तो वही कर रहा है जो मार्केट में बाकी कंपनीज कर रही है, बस वो हाँ अपने ब्रांड नेम के अंडर कर रहा है, इतना ही फर्क है। फागुन बोलते हैं कि सर कैन वी बाय इंटरनेशनल आईफोन्स एज दे आर मच चीपर, लाइक वी आर गेटिंग 12 प्रो फॉर 1.20 लाख इंडियन वेरियंट एंड इंटरनेशनल आई एम गेटिंग फॉर 84, एज आई थिंक देर इज नो डिफरेंस इन दिस वेरियंट्स, बाय द वे लव योर वीडियोज। बिल्कुल फागुन, अगर आपको इंटरनेशनल वेरियंट मिल रहा है 84,000 का, तो आप ले लो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, काफी आपको सही डील मिल रही है और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप बड़े आराम से इंडिया में उस फोन को यूज कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। अगला सवाल है यहाँ पे प्रथमेश का, बोलते हैं PUBG मोबाइल इंडिया AKA बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च डेट 18 जून लॉक कर दिया जाए। जसवंत बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, आपकी जिम वाली व्लॉग बहुत ही अच्छी थी, और वन प्लस नॉर्ड CE 5G की अनबॉक्सिंग कब देखने को मिलेगी? लव फ्रॉम राउरकेला उड़ीसा। जसवंत भाई, नॉर्ड CE 5G की अनबॉक्सिंग मिलेगी कल दोपहर 12:30 बजे मेरे ख्याल, हाँ 12:30 बजे। और थैंक यू यार, आपको जो वीडियो है वो पसंद आया। मयंक बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ रीब्रांडिंग ऑफ फोन्स? मयंक देखो भाई, वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कंपनीज बहुत सारे रीजन बता सकती हैं और यू नो बहुत सारी पॉलिसी हो सकती हैं, लेकिन 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 जो एक फंडा है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है पैसा कमाना, और कम मेहनत के साथ पैसा कमाना, कम से कम मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, इसीलिए रीब्रांडिंग की जाती है। और जब तक हिंदुस्तान में स्मार्टफोन कंपनीज हैं, अगले लेनर को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पे सवाल है शिवांशु का, बोलते हैं हेलो भैया, मुझे पापा के लिए एक फ़ोन लेना है, लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज एंड नो बजट इशू, विच फ़ोन शुड आई परचेज? शिवांशु भैया, आप iPhone 12 ले सकते हो, iPhone 12 mini शायद
ज़्यादा छोटा हो जाए, लेकिन हाँ अगर आपको ज़्यादा ही छोटा चाहिए तो आईफोन 12 मिनी बहुत सही फ़ोन है, और अदरवाइज़ आईफोन 12 ले लो, काफ़ी लाइट वेट भी है, काफ़ी ना अच्छा फ़ोन भी है और स्लिम भी है, छोटा भी है, और मज़ा आएगा आपके पापा को यूज़ करते हुए आईफोन 12 अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो। अगला सवाल है यहाँ पे संदीप का, ये बोलते हैं कि हेलो गौरव भाई, आपने 2 साल पहले बोला था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आऊँगा लेकिन आप अभी तक नहीं आए, कब आओगे आप? अरे मेरे भाई, पिछले 2 साल की आपको हालत भी बता, दुनिया की क्या चल रही है, मतलब ये तो ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे आपको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, कि मैं तो आ सकता था लेकिन मैं आया नहीं जानबूझ के। यार बिल्कुल मौका रहेगा, मुझे डेफिनेटली विजिट करना है, लेकिन अभी देखते हैं कि प्लान कब बनता है, कब सारी कंडीशंस बैक टू नॉर्मल होती हैं। और बोलते हैं आज का व्लॉग देख के मज़ा ही आ गया, स्फूर्ति दौड़ उठी हमारे तन मन में, क्या बात है, ऐसी बस स्फूर्ति अपनी जो है वो बनाए रखो। आशुतोष बोलते हैं कि BGMI लॉन्च पर क्या हम सब्सक्राइबर्स के साथ गेम खेलोगे क्या, मे बी कस्टम रूम, बड़ा मज़ा आएगा, प्लीज़ पिक दिस क्वेश्चन। आशुतोष यार हो सकता है, हो सकता है, वैसे हम पबजी की दुनिया में नूब कहे जाने वाले किरदारों में से एक हैं, तो अभी ऐसे में BGMI आने दो, थोड़ा बहुत जो है वो क्या पता हम हाथ पे डाल सकते हैं, आप अगर सिखा दोगे गेम खेलना थोड़े अच्छे से तो और मज़ा आएगा, मतलब लेट्स सी, क्या पता, क्या पता मैं से कुछ प्लान कर लें। अगला सवाल है यहाँ पे हनी शर्मा का, बोलते हैं कि ब्रो एक बार तो अपनी मूछें कटवा दो, बड़ा मज़ा आएगा। हनी भाई मूछें हटाऊंगा तो अजीब लगेगा, दाढ़ी भी साथ में उठानी पड़ेगी, और उसके लिए प्लान कर रहे हैं कुछ 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 चेंज करेंगे मैं एक बार जब, वैसे तो जॉलाइन मेरे ख्याल से अभी है, मतलब वो ऐसे गोल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें वो है ना इरिवर्सिबल है भाई, एक बार अगर हटा दिया तो बाद में उखा नहीं पाऊंगा ना इतना जल्दी, तो एक बार ये पूरा सोच समझ के भरोसा करके तब ये कदम उठाएंगे हम। आनंद बोलते हैं कि क्या हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा? भाई आनंद अभी तक कोई जो है वो इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं मिलेगा, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं मिलेगा, अभी तक तो यही नहीं पता कि गेम जो है वो इंडिया में बैन होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या रहेगा पूरा सीन, तो एक बार होने दो पहले 18 जून की तारीख कंप्लीट, 4 दिन की तो बात है, इसमें ऐसा कौन सा जीने मरने का सवाल है, जब आएगा तब देखने लगा कि भैया होता है कि नहीं होता ऑप्शन। आदित्य कुमार राणा बोलते हैं गौरव भाई आई लव अ गर्ल बट कांट एक्सप्रेस माई लव, आई हेजिटेट एंड आई ऑल्सो लव योर ब्लॉग्स, डू विजिट राजस्थान योर होमलैंड एंड मेक ब्लॉग एज इंडियाज कंप्लीशन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक भाई, GTA 6 अपडेट दे दो, ट्रैवल इन दुबई ट्रेन। भाई इसमें कोई एक कॉमा, कोई एक फुल स्टॉप, कोई एक कुछ तो लगा लेते, समझ नहीं आ रहा, आपने लड़की से प्यार किया, आपने मेरे व्लॉग से प्यार कर लिया, आपने मेरे को राजस्थान बुला लिया, आपने अपने 75th इंडिपेंडेंस डे की बात कर ली, आपने GTA 6 की बात कर ली, और आप बोलते हो कि दुबई में ट्रेन में ट्रैवल कर लो, कोई लॉजिक है इस बात का? बट एनीवेज जिससे भी आप प्यार करते हो आप बिल्कुल एक्सप्रेस करो, 2 आउटपुट निकलेंगे, येस या नो, येस हुआ तो बहुत अच्छा और नो हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा शायद कि भाई दिस इज़ नॉट बाउंड टू बी, तो आप क्या पता अपना ध्यान कहीं और लगाओगे। और राजस्थान बिल्कुल मैं आऊँगा, व्लॉग भी बनाएंगे, GT 6 भी बहुत सही लगता है, देखते कब आएगा भैया, अभी काफ़ी एक्साइटमेंट है, और दुबई ट्रेन का वीडियो भी कोशिश करता हूँ बनाने का। अगला सवाल यहाँ पे स्वपन का, बोलते हैं कि मैकलेरन के साथ दोबारा से व्लॉग कब देखने को मिलेगा गुरुजी? जनता जवाब चाहती है, लव फ्रॉम झारखंड, वैसे आज वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा था, थैंक यू मेरे भाई स्वपन। और मैकलेरन के साथ में व्लॉग यार कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं किया है, क्या पता आपको मिले, नो बीच बीच में ऐसे मिलता रहेगा, आपने कौन सी कराई की है यार, तो मतलब जब भी कुछ कुछ ऐसे होगा एज एन वेन जो है वो मैं मिक्सर मैच करता रहता हूँ, मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं कोई व्लॉग बनाऊंगा, बट हाँ हो सकता है मैं अपना लॉन्ग टर्म एक चलाने के बाद में एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, तो वो लेट्स सी कब होता है। लास्ट सवाल है यहाँ पे हमारे पास में, सेकंड लास्ट सॉरी, ये है उत्कर्ष का, बोलते हैं कि आपसे एक सवाल है, सोनी ZV-1 बेस्ट कैमरा है फॉर व्लॉगिंग के लिए और कितने घंटे चल सकता है? 1080p में 10 घंटे चल सकता है क्या? नहीं देन एनी अदर सजेशन फॉर व्लॉगिंग कैमरा जस्ट लाइक सोनी ZV-1? उत्कर्ष सोनी ZV-1 बहुत एक अच्छा कैमरा है, लेकिन 10 घंटे तो भैया कोई भी कैमरा नहीं चलता है, आपको मल्टीपल बैटरीज खरीदनी पड़ती हैं, तो मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे जो कैमरा ये चलता है कुछ कुछ करीब 1.5 घंटे के आसपास 4K में, तो 3-4 बैटरीज है मेरे पास में, तो वो मैं चार्ज करके रखता हूँ अपने पास में, वैसे तुमको पता है कि मेरे पास में बैटरी रहती है, ये मैं सोनी आपकी बात कर रहा हूँ बड़े वाले कैमरा की, तो ऐसे ही आपको कोई भी कैमरा होता है तो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज रखनी पड़ती है भाई, 10 घंटे आपका कोई भी कैमरा नहीं चल पाएगा। अजय बोलते हैं कि भैया स्पेस में जो अनयू सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं वो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती हैं क्या, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अजय भाई डेफिनेटली यार जो डिब्री है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ऐसे में मतलब अभी तो खैर इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में हो सकता है, बिकॉज हम बात करें फॉर एग्जाम्पल स्टारलिंक की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 40-50 हज़ार सैटेलाइट जो है वो जाएंगी, तो आगे चल के फिर जब आपको मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा तो रॉकेट को भी तो ऐसे देख के निकलना है ना कि भैया कहीं रास्ते वास्ते में ना आ जाए, तो इशू हो सकता है, बट हाँ इसको लेकर भी डेफिनेटली एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे होंगे यार, और वो बेहतर जानते हैं कि कैसे इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।